गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल आपको बताया गया था कि हेलो एल्केन का एग्जांपल बताया गया था और उसमें क्या था कि उसका बेसिक जानकारी था हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन होता क्या है और उसके एग्जांपल क्या होते हैं, उसका बेसिक जानकारी दिया गया था। अब क्या है, आपको पढ़ना है कि हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है, इसकी विधियाँ, बनाने की विधियाँ क्या है। इसकी विधियाँ, कई विधियाँ हैं जिनको आपको स्टेप वाइज पढ़ना है। अब तक क्या था, ये इसका क्या था, जान लीजिए ट्रेलर था। अब क्या है, आपका पिक्चर स्टार्ट है, तो इसमें क्या करना है, आपको बनाने की विधियाँ पढ़ना है। इसमें हेडिंग है एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियाँ। एल्किल हैलाइड मतलब हैलो एल्के बनाने की सामान्य विधियाँ। इसमें पहला विधि है एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा या औद्योगिक विधि से कहते हैं, उद्योगों में जो प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, पैरा एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन का क्रिया किससे कराया जाए, एल्केन से। तो एल्केन का हैलोजन से क्रिया कराने पर एल्केन का जो हाइड्रोजन होता है, हैलोजन द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। प्रतिस्थापित होने पर जो नया यौगिक प्राप्त होता है वो क्या होता है, हैलो एल्केन प्राप्त होता है। तो ये क्रिया जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसमें लिखा क्या जाएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब एल्केनों को हैलोजनों से क्रिया कराते हैं तो हैलोजन एल्केन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जो नया यौगिक प्राप्त करता है या जो नया यौगिक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं या हैलो एल्केन प्राप्त होता है। जैसे जैसे CH4 है, अगर इसका हाइड्रोजन से CH4 क्या है, एल्केन है। एल्केन में ये कौन सा एल्केन है, इसका नाम क्या है, मेथेन। इसका अगर हाइड्रोजन से क्रिया कराया जाए, हाइड्रोजन में जैसे क्लोरीन है, यौगिक रूप में होगा, क्रिया करेगा। अगर हाइड्रोजन से क्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर ये हाइड्रोजन क्या करता है, इसको हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और सूर्य के प्रकाश की प्रजेंस में क्रिया कर रहा है। HNU लिखा हुआ है, इसका मतलब है सूर्य के प्रकाश की प्रजेंस में क्रिया कर रहा है, प्रजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रजेंस में क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को अगर प्रतिस्थापित करेगा, प्रतिस्थापित मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो एक क्लोरीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। एक दूसरे का स्थान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया तो हो जाएगा CH3 और एक Cl आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा तो CH3Cl हो जाएगा। और प्लस यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रतिस्थापित हुआ और एक Cl बचा हुआ तो क्या बनेगा, Cl बनेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व आ गया और ये क्या है, एल्किल ग्रुप है, तो ये एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन मिलाकर के क्या बनाया, एल्किल हैलाइड बना दिया। इसका नाम क्या होगा, CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं एल्किल को, और क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। इसी तरीके से आप इसमें और भी कार्बन की संख्या कम कर सकते हैं, जैसे है CH3Cl है, अगर फिर इसको क्लोरीन से क्रिया करा दिया जाए फिर क्या होगा, यहां से एक क्लोरीन यहां पर आकर के जुड़ेगा तो यहां से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, CH2, और एक क्लोरीन था, एक क्लोरीन और जुड़ा तो CH2Cl2 हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक क्लोरीन यहां पर है तो क्या बनेगा, HCl। इसका नाम क्या होगा, डाई क्लोरो, दो बार क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, और एक कार्बन है तो एक कार्बन का मेथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एन, उसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो मेथ। पुनः अगर इसको क्लोरीन से क्रिया कराया, क्लोरीनीकरण कराया जाए या हाइड्रोजनीकरण कराया जाए तो CH2Cl2 को पुनः अगर क्लोरीन से क्रिया कराया जाए फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन द्वारा
प्रतिस्थापित हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी एच, और यहाँ पर दो क्लोरीन है, क्लोरीन और जुड़ेगा तो सी एच सी एल थ्री हो जाएगा और क्या बन जाएगा एच सी एल। तीन क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा ट्राई क्लोरो, एक कार्बन है, एक कार्बन का बेस सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो ट्राई क्लोरो मेथेन। इसका दूसरा नाम साधारण नाम होता है क्लोरोफॉल, जो निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला फिर है अगर इसको यहां पर अभी हाइड्रोजन बचा हुआ है इसको भी अगर प्रतिस्थापित करना चाहें तो क्या होगा, पुनः फिर क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, फिर हो जाएगा सी सी एल फोर, तीन क्लोरीन है और एक क्लोरीन यहाँ पर क्या हुआ प्रतिस्थापित होकर के हाइड्रोजन को और जुड़ा तो सी सी एल फोर बना प्लस एच सी एल बन गया। यहाँ पर चार क्लोरीन है तो हो जाएगा टेट्रा क्लोरो मेथेन, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरो मेथेन। अगला बनाने के एल्कीन हैलाइड बनाने का अगला विधि है एल्कीनो में हाइड्रोजन हैलाइडों के योग द्वारा। अगर किसी एल्कीन पर, एल्कीन मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाए, जब किसी एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन और कोई हैलाइड उसमें जुड़ करके कोई यौगिक से अगर क्रिया कराया जाए, उसका योग कराया जाए, तो क्या प्राप्त होता है, हैलो एल्कीन प्राप्त होता है या एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इसमें क्या होगा, क्या लिखा जाएगा, इसमें क्या होगा लिखा जाएगा, जब एल्कीने हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ, जब एल्कीने हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ योगात्मक अभिक्रिया करती हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, इसका नाम क्या है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, इसका नाम क्या है एथिलीन। आपको साधारण नाम याद रखना है क्योंकि जितने भी रिएक्शन होंगे उसमें ज़्यादातर साधारण नाम ही आएंगे। सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, इसका नाम क्या हुआ एथिलीन हुआ। इसका क्या करना है, हाइड्रोजन हाइलाइडों से योग कराना है। जैसे हाइड्रोजन हो गया हाइलाइड एच सी एल, हाइड्रोजन हाइलाइड हो गया, इससे क्रिया कराया जा रहा है। तो क्रिया कराने पर ये हाइड्रोजन क्या होगा, इससे योग करेगा। तो जहां पर हाइड्रोजन अगर यहां पर आकर के जुड़ेगा तो जहां पर डबल बॉन्ड होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। और एक क्लोरीन आकर के यहां पर जुड़ जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जब यहां पर आकर जुड़ेगा क्या हो जाएगा सी एच थ्री, और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आगे क्या है सी एच टू, और इससे क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा सी एल। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया और एथिल ग्रुप हो गया, एथिल ग्रुप हो जाएगा, एक क्लोराइड हो गया, इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। एल्किल हैलाइड बन गया, एल्किल हैलाइड में क्या बना एथिल क्लोराइड। ये हैलोएल्केन आपको प्राप्त हो गया। एक क्या था, सममित एल्किन था। ऐसे अगर असममित एल्किन हो तो वहाँ पर मार्कोनी काफ का नियम लागू होता है। आप इसके पहले एल्कीन वाले चैप्टर में लगभग पढ़ चुके हैं कि जब कोई असममित एल्कीन किसी हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करता है तो वहाँ पर मार्कोनी काफ का नियम लागू होता है। और इसमें भी असममित एल्कीन का प्रयोग किया गया है। अगर ये तो सममित था, अगर असममित एल्कीन हो तो आप नहीं लाइन सीखेंगे, जब कोई असममित एल्कीन हाइड्रोजन हाइलाइड से क्रिया करता है तो वहाँ पर मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार यौगिक प्राप्त होते हैं। जैसे है सी एच थ्री सॉरी सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच,
CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। ये क्या है? आसमित एल्कीन। आसमित का मतलब होता है जिसको दो बराबर भागों में बांटा जाए ना बढ़े। अगर बांटने पर बढ़ जाए दो बराबर भागों में तो क्या होगा? समित होगा। अगर ना बढ़े तो असमित होगा। जैसे व्यक्ति जो है इसको अगर दो बराबर भागों में बांटा जाए तो क्या होता है? सब बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ऐसे व्यक्ति बांटा जाए तो दो बराबर भागों में बटेगा तो क्या होगा? समित होगा। अगर कोई जैसे ऐसे फ्लावर है इसको अगर मान लीजिए काटा जाए तो ये दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, इसका साइज डिफरेंट होता है, तो ये किस में आएगा? असममित में आएगा। इसको अगर दो बराबर भागों में यहां से बांटा जाए नहीं बटेगा तो असममित एल्कीन हो गया। इस असममित एल्कीन को अगर मान लीजिए HBr से क्रिया कराया जाता है हाइड्रोजन हैलाइड में तो मार्कोनी का आपका नियम यहां लागू होगा, क्योंकि असममित एल्कीन है। मार्कोनी का आपका नियम कहता है कि जो अम्ल का ऋणात्मक भाग होता है वो एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, वहां पर आकर के क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड जहां पर होगा उसमें से देखिए इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम है। वहां पर इसका ऋणात्मक भाग क्या होगा? आकर के जुड़ जाएगा। इसे प्लस होता है, इसे माइनस। ये ऋणात्मक भाग क्या हो जाएगा? आकर के यहां पर जुड़ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH की जगह पर CH2 की जगह पर क्या हो जाएगा? यहां पर H जुड़ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH3 हाइड्रोजन का योग हो रहा है, डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। ये CH है और इससे क्या हो जाएगा? Br, और फिर क्या हो जाएगा? CH3। तो CH3 CH Br और CH3 बन गया। इसका नाम क्या होगा? और ये क्रिया जो करता है किसी पेरोक्साइड के वजह से करता है, मान लीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2 पेरोक्साइड। इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, दूसरे क्या है? ब्रोमीन हो जाएगा, 2-ब्रोमो। तीन कार्बन है तो प्रोपेन। अगला हैलो एल्कीन बनाने का अगला विधि है एल्कोहालों की हाइड्रोजन हैलाइडों से अभिक्रिया द्वारा। इसमें क्या है कि अगर कोई एल्कोहल हो, कोई भी एल्कोहल हो, उसको अगर हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया कराया जाए तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड या हैलो एल्कीन प्राप्त होता है। जैसे इसमें लिखा गया जाएगा जब किसी एल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइडों से क्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है या हैलो एल्कीन प्राप्त होता है। जैसे है C2H5OH, ये क्या है? एल्कोहल। इसका नाम क्या है? C2H5 को क्या कहते हैं? एथिल। OH है तो एल्कोहल, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। जिसका इस चैप्टर में बेसिक स्ट्रांग होगा उसको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए जितना आगे पढ़ाया गया उसको सही ढंग से आप रिपेयर कर लें तो ज्यादा समझ में आएगा। तो किसी एल्कोहल को क्या किया जा रहा है? हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराया जा रहा है। जैसे मान लीजिए HCl से क्रिया कराया जा रहा है तो इसमें क्या होगा? आपको बनाना है एल्किल हैलाइड। अगर ये हैलाइड वाला फॉर्म, हैलाइड वाला तत्व आकर के इससे क्या हो जाए? जुड़ जाए। तो यहाँ पर क्या बनेगा? C2H5Cl बनेगा और इस पर प्लस, इस पर क्या OH क्या होता है? माइनस। OH आपस में क्रिया करके क्या बनाएगा? 2H है तो H2 हो जाएगा और O है तो क्या बन जाएगा? प्लस H2O क्या बन जाएगा? जल। और रिएक्शन क्या हो गया? हल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? C2H5Cl का नाम क्या हो जाएगा? C2H5 को क्या कहते हैं? एथिल। और Cl को क्या कहते हैं? क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। इसी प्रकार दूसरा बना सकते हैं जैसे CH3OH, इसका नाम क्या है? CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। OH को क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं।
मेथिल अल्कोहल, अगर इसका एक क्रिया कराया जाए या चाहे से क्रिया कराया जाए हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड, इससे क्रिया कराएंगे तो ये हाइड्रोजन तत्व तो क्या होगा, इससे अग्रेजन हो जाएगा, क्या बनाएगा CH3 आई बनाएगा, प्लस ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे जल बनाएंगे, प्लस H2O बन जाएगा, इसका नाम क्या होगा मेथिल आयोडाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड को क्या कहते हैं मेथिल। तो इस प्रकार आप एल्कोहल का क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करा करके क्या बना सकते हैं एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, यहाँ भी एल्किल हैलाइड बना, यहाँ भी एल्किल हैलाइड आपको प्राप्त। अगला है एल्कोहलों पर फास्फोरस हैलाइडों से क्रिया द्वारा, इसमें क्या है कि अगर किसी एल्कोहल का फास्फोरस हैलाइड से क्रिया कराया जाए तो हैलो एल्किन प्राप्त होता है या एल्किन हैलाइड प्राप्त होता है। इसमें अगर फास्फोरस हैलाइड में देखा जाए अगर PCl5 से क्रिया कराया जाए या PCl3 से क्रिया कराया जाए, PCl5 क्या कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और इसे कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो अगर किसी एल्कोहल को लिखेंगे, यदि किसी एल्कोहल को PCl5 अथवा PCl3 से क्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे इसमें नोट में लिख लीजिएगा और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, नोट में लिखिएगा कि यदि एल्कोहल का PCl5 से क्रिया कराते हैं तो POCl3 इसे कहते हैं फास्फोरिक अम्ल, यदि PCl5 से क्रिया कराते हैं तो POCl3 अवश्य प्राप्त होगा, और यदि PCl3 से क्रिया कराते हैं तो H3PO3 इसका नाम क्या है ऑर्थोफास्फोरसम अवश्य प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है कि अगर PCl5 से क्रिया एल्कोहल का कराया जाएगा तो ये चीज जरूर बनेगा फास्फोरिक अम्ल बनेगा, अगर PCl3 से एल्कोहल का क्रिया कराया जाएगा तो H3PO3 जरूर बनेगा। जैसे एग्जांपल है C2H5OH, इसका क्रिया PCl5 से कराया जाए तो ये क्रिया कैसे करेगा, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप जान जाएंगे इधर क्या बनेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे PCl5 में इसको तोड़ दिया, कितने क्लोरीन है 5 क्लोरीन है, एक क्लोरीन को इधर कर दिया, ऑक्सीजन से दो भागों में तोड़ना है, ऑक्सीजन से इधर एक साइड में हाइड्रोजन इधर एक साइड में, ऑक्सीजन को बीच में कर दिया, एक क्लोरीन इसका इधर जुड़ गया एक क्लोरीन इधर जुड़ गया, अब कितना बचा PCl3 बचा, PCl3 को इसके बीच में लिख देना है। अब क्या है ये C2H5Cl से क्रिया करके बना लेगा क्या C2H5Cl, अर्थात यहाँ क्या बनेगा C2H5Cl, कितना आसान हुआ। अगला क्या बनेगा, यहाँ पर PCl3 है O है, इस O को क्या कर देना है PCl3 के बीच में लिख देना है, तो क्या बन जाएगा POCl3 बन जाएगा, फास्फोरिक अम्ल बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन Cl है तो क्या बन जाएगा HCl, इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड PCl5 से क्रिया किया बनाया एथिल क्लोराइड, और क्या बनाया फास्फोरिक क्लोराइड बनाया, अगला है CH3OH मान लीजिए, इसका नाम क्या है मेथिल एल्कोहल,
ऐसे इसमें भी होगा, अगर पी सी एल थ्री से क्रिया करेगा तो क्लोरीन इससे क्रिया कर लेगा सी एस थ्री से, तो बनाएगा सी एस थ्री सी एल बनाएगा, क्योंकि हैलो एल्केन बनाना है। प्लस क्या बनेगा बताया गया कि अगर पी सी एल थ्री से क्रिया करता है तो हमेशा क्या जोन बनता है, एच थ्री पी ओ थ्री बनता है। अब यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर तीन क्लोरीन है, यहाँ पर एक क्लोरीन है, यहाँ पर तीन से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, यहाँ पर सी एस थ्री तीन बार हो गया, यहाँ पर तीन से गुणा कर देंगे, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन यहाँ पर है, तीन हाइड्रोजन यहाँ पर है, तीन ऑक्सीजन यहाँ पर है, तीन ऑक्सीजन भी यहाँ पर है, क्वेश्चन क्या है बैलेंस दोनों तरफ बन गए।